हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट करना सिखाऊंगी। ये क्लास 8th चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का पार्ट है। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट। अब आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ब्रैकेट में आपके पास दो अनलाइक टर्म्स हैं जो कनेक्टेड हैं प्लस साइन से, तो ऐसे टर्म्स को हम बाइनोमियल रिकग्नाइज करते हैं। और यहाँ है तीन टर्म्स तो इसको हम ट्राइनोमियल रिकग्नाइज करते हैं। तो बेसिकली हमको उसने बोला है बाइनोमियल को आप ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करें। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसमें हम एसोसिएशन करेंगे, पहले टर्म को सेकंड पूरे ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। एक तरीका ये है कि मैं एक ही बारी में सब मल्टीप्लाई कर दूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं स्टेप वाइज चलूं। तो मैं स्टेप वाइज चल रही हूँ। इसका फर्स्ट टर्म आप उठाइए, क्योंकि ये टर्म सब नंबरों से मल्टीप्लाई होना चाहता है, तो मैंने ये ब्रैकेट पूरा का पूरा इसके साथ लिख दिया, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन दिखा सकूं और प्लस माइनस की गलती अवॉइड हो सके। ऐसे ही इस टर्म को भी सारे टर्म से मल्टीप्लाई होना है, तो मैंने सेकंड टर्म के साथ वो ब्रैकेट फिर से लिख दिया। तो अब मैं इस स्टेप में मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगी। x इंटू एक्स स्क्वायर इज x टू द पावर 3 x इंटू माइनस एक्स वाई। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, दोनों वेरिएबल सेम है, तो दोनों कितनी बार आ गए, एक बार इधर आया एक बार इधर आया, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई। नेक्स्ट वाला है x इंटू वाई स्क्वायर। तो पावर्स लिखते हुए बहुत ध्यान रखेंगे कि किसके टॉप पे लिख रहे हैं, क्योंकि y की पावर 2 है तो वो मल्टीप्लाई होके x के ऊपर नहीं आएगी, y पे ही रहेगी। नेक्स्ट है y इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि होता है वाई एक्स स्क्वायर, बट लिखने के तरीके में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखते हैं, तो हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर वाई, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2y हो गए। अब y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब हो गया। तो यहाँ के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, उनको साथ साथ लिख लेते हैं। एक्स क्यूब के कोई लाइक नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई ढूंढते हैं, ये रही दूसरी, तो इसको इसके नज़दीक लिख लेते हैं। फिर आया एक्स वाई स्क्वायर, अब मैं ये टर्म लिख रही हूँ, इससे लाइक ये है, तो हमने साथ साथ लिख लिए, तो ये हो गया एक्स क्यूब। अब ये माइनस वन प्लस वन, दोनों एडिटिव इन्वर्स हैं, एक दूसरे के कट के जीरो देंगे, जीरो लिखना जरूरी नहीं होता, ऐसे ही प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर जीरो देगा, तो वो भी हम काट सकते हैं। तो आंसर आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.